आज जो आपने यहाँ पर दावत इफ्तार का प्रोग्राम लगा, आपको कैसा लग रहा है? और दूसरी चीज, आज आपका जन्मदिन भी है, तो आपको बहुत सारी बधाई। नहीं, आज बहुत खुशी की बात है, यहाँ पे दावत इफ्तार शिवसेना पार्टी की तरफ से हम लोग ने रखा। हर साल ये इफ्तार हम लोग रखते हैं और हमारे यहाँ के सभी कार्यकर्ता इसका बहुत ही अच्छा आयोजन करते हैं। आज खुशी की बात है, आज इफ्तार का भी आयोजन किया हुआ है। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का भी जयंती उत्सव है, तो एक उत्साह और आनंद आज पूरे मुंबई में दिखाई दे रहा है। आपके सभी धर्म एक आनंद से और उत्साह से, आप देखो सभी लोग हम लोग इकट्ठा मिलके यहाँ पे इफ्तार भी मना रहे हैं, वहाँ पे बाबा साहब की जयंती भी मना रहे हैं, तो एक अच्छा माहौल यहाँ पे बना हुआ है। सर, पूरे भारतवासियों के लिए आज खुशी का दिन है। सर, आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन है, सभी भीम सैनिकों को आपकी तरफ से किस तरह से शुभेच्छा? आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और आज डॉक्टर बाबा साहब का अम्बेडकर जी ने जो हमारा संविधान बनाया, पूरे विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान है, और संविधान के तहत ही सबको अधिकार दिया है, सभी को, सभी धर्म हो, सभी समाज हो, सभी को जो जो अधिकार दिया है उस अधिकार के तहत सब यहाँ पे मिल जुल के यहाँ पे रह रहे, भाईचारे से रह रहे। तो सबको यही मेरा कहना है कि सब लोग संविधान के तहत संविधान को मान के हुए भाईचारे से मिलजुल के रहना चाहिए और भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहिए। हुई थी, उन वही मैं अभी जो बताया आपको कि संविधान के तहत सभी को जो यहाँ पे रहने के अधिकार दिए हैं, तो सभी का सम्मान, हर धर्म के लोग, हर समाज के लोग एक दूसरे का सम्मान करके भाईचारे से रहना चाहिए, तभी शांति का माहौल रहेगा। और मुझे पूरा विश्वास है, हमारे तो क्षेत्र में अपने आप देखेंगे तो सभी आप लोग भाईचारे से रहते हैं, तो यही मैं संदेश दूंगा कि सब लोग मिलजुल के एक दूसरे को सम्मान के तहत रहना चाहिए। सर, आने वाले कुछ ही दिनों में जो है ईद का त्यौहार आने वाला है, तो मुस्लिम समाज के लोगों को आप जो है किस तरीके से शुभेच्छा देना चाहेंगे? मैं बहुत मेरी शुभकामनाएं, हर साल ईद तो हम आनंद से और उत्साह से मनाते हैं, और इस बार कोविड के बाद, क्योंकि पिछले साल तो थोड़ी तो रिस्ट्रिक्शन थी गवर्नमेंट की, लेकिन इस बार तो गवर्नमेंट की कोई बंधन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, तो और उत्साह से और आनंद से ईद मनाई जाए। और ईद के लिए मैं सभी हमारे मुस्लिम भाइयों को शुभकामनाएं देता हूं। सर, आज आपका जन्मदिन है, दक्षिण मध्य मुंबई के आप खासदार हैं, तो आपकी जनता के लिए आपकी तरफ से क्या शुभेच्छाएं? मैंने जन्मदिन के अवसर में यही कहता हूं कि सब लोग ऐसे मुझे मेरे दुआओं मेरी उन सबकी मेरे साथ रहने चाहिए, कुछ नहीं था आनंद, सबने मुझे आशीर्वाद देना चाहिए, दुआ देनी चाहिए, उनकी दुआओं के ऊपर, उनके आशीर्वाद के ऊपर, उनकी सेवा करने का मुझे भाग्य जो मिला है, तो और ज़्यादा सेवा मैं कर पाऊँगा। चीता गेम की यूनिट के ये जो सारे लोग आज स्टेज पर आपके साथ रूबरू खड़े हुए, वो हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, उनको क्या मैसेज है? नहीं, उनको यही मैसेज है, ऐसे ही साथ में रहिए, वही क्या, ये हमारा परिवार है, हम परिवार के तहत काम करते हैं और यही परिवार आगे वाले दिनों में चीता कैंप का पूरा डेवलपमेंट का, विकास का काम करेंगे। आने वाले वक्त में कॉर्पोरेशन इलेक्शन, उसको लेकर क्या तैयारी? जब भी इलेक्शन आएगा तभी बताएंगे। धन्यवाद।